तो जय हिंद बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बेहतरीन चीज़ें लेके आया हूँ। आज मैं आपको ये बतलाने वाला हूँ कि हमारी बुक, जिसको हम हर बार क्लेम करते हैं कि इसमें क्वेश्चन फंसते हैं, चाहे वो NDA का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो ICG का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो CDS का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हमारी बुक से पेपर फंसते हैं। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे हमारी ही बुक से बनाया गया हो। हम आपको ये क्लेम कर रहे हैं, हम आपको ये दिखा रहे हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से दिखा रहे हैं, जो भारत में सिर्फ हम ही दिखाते हैं और कोई नहीं दिखाता है। हाँ भाई, बहुत से लोग कहते हैं ये देखो मेरा पढ़ाया हुआ, कोई प्रूफ, लाइव प्रूफ नहीं होता। आज हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। पेपर तो बच्चों आप लोग सब दिए हो ना। मैं क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ और अपनी बुक के पेज खोला हुआ हूँ, पेज नंबर के साथ खोला हूँ। इससे बड़ा ऑथेंटिक तो कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी तो कुछ भी नहीं हो सकती। आप सब पेपर दिए हो, मैं क्वेश्चन मार्क करते जा रहा हूँ और देखिएगा, कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्ट दिखेगा। आप ही कहोगे सर ये वाला तो सच में आया हुआ मेरे एग्जाम में और ये लिखा हुआ है, और ये बुक 2.5 साल पहले बनी हुई है, आज की नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं ध्यान से बच्चों। अगर हम बात करें ये है मेजर कलसी की बुक, 80 नंबर पेज पे। ये 17 नंबर क्वेश्चन बताइए आया है कि नहीं आया है। ये 17 नंबर क्वेश्चन एग्जैक्ट यही आया है कि नहीं आया है? तो आप कहोगे हाँ सर यही तो है, बिल्कुल यही तो दिख रहा है, ये हमारी बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अगला हम चलते हैं। अब बताइए ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इस पे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है? यही IMAX और IMINIMUM पूछा है, और यही एम्पलीट्यूड दिया हुआ था, और यही IMAX और IMINIMUM आपसे पूछा हुआ है। देख लीजिए ये आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। ये पेज नंबर 636 विद प्रूफ दे रहा हूँ, अपने बुक की पेजेस को मैंने यहाँ पे लगाया है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है आप देख सकते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये देख लीजिए, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा शब्द बदला था, बाकी सब कुछ यही था, सब कुछ था। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूँ ये, मगर यही सारे टर्म्स पूछे। बस ये है कि किसी चीज़ को पूछने का तरीका ये हो सकता है ये, मगर आंसर वही है। ठीक है, तो बस ये याद रखिए, देख रहे हैं विथ लाइव प्रूफ मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ। ये हमारे पास कुछ डेटा है जिसको हमने कलेक्ट किया है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अब आते हैं 620 नंबर पेज पे। बताइए ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, कि कोई भी प्रकाश की रेखा जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो कौन नहीं बदलता है? देख लीजिए, ये 32 नंबर क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ है, और ये हमारी बुक में है, और आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 620 नंबर पेज पर क्वेश्चन नंबर 32 है। आप ये देख सकते हैं, ये बुक हमारे पास है, जब भी आप इसको मंगाएंगे तो आप इस चीज़ को पाएंगे। ये MKC पब्लिकेशन की हिंदी और इंग्लिश में दोनों की बुक है ये, और ये बुक लगभग 2.5 साल पहले बन चुकी है, आज भी ये बुक कारगर साबित है, बहुत बेहतरीन बुक है। आप देख सकते हैं, अभी तो मैं खेल शुरू हुआ है, अभी आगे चलता हूँ, अभी और दिखाता हूँ आपको। ठीक, अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आगे चलते हैं, देख लीजिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 62, 529 नंबर पेज है, क्वेश्चन नंबर 62। ये क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट का पूछा हुआ है, NIA के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देख लीजिए वही क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए आप सब पेपर दिए, देखो बच्चों हम यहाँ पे पेपर तो एग्जैक्ट यहाँ से NDA का होता है तो हम बगल में लगा देते हैं, मगर एयरफोर्स का नहीं लगा सकते ना, क्योंकि वो एक तरीके से ऑनलाइन पेपर होता है, आप ही से मिलता है। तो बच्चे जो बताते हैं उस बिहाव पे हमने आपको ये दिखाया है, आप ये देख सकते हैं उष्मा गतिकी का हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, और यही पूछा गया था, इसमें लिखा हुआ है उष्मा गतिकी का प्रथम नियम आधारित है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल 83 नंबर क्वेश्चन, 326 नंबर पेज पर ये दिखा हुआ है। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते आते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए कहां गया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 77 बच्चे ये आया था कि नहीं? बस यहां न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी थोड़ी सी अलग है, बाकी सेम क्वेश्चन यही आया हुआ है। बस देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, और MGH डिवाइडेड बाय टाइम। बस क्वेश्चन में क्या है, पावर दिया हुआ था, आपसे मास पूछा था, यही सेम मिलता जुलता क्वेश्चन था। बिल्कुल कुछ तो बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल आ गए, मतलब ये लगा कि हाँ मेजर कलसी की ही बुक से बनाया गया क्वेश्चन ही है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट, न्यूमेरिक वैल्यू तक सेम थी, समझ लीजिए ये मैं कह सकता हूँ। अब आके ये जो क्वेश्चन बच्चों मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट यही शब्द इस्तेमाल किया गया है, यही शब्द है और यही सारे विकल्प है। आप देख लो जब घोड़े का क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, यही ऑप्शन है, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल ये तो एग्जैक्ट बिल्कुल यहीं से उठाया गया क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 7 कि जब एक घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है तो वह बल जो घोड़े के आगे बढ़ाने में सहायक होता है, ये क्वेश्चन आप ही ने बताया और ये देख लीजिए हमारी बुक में लिखा है। और पेज नंबर मैं दिखा सकता हूँ, ये पेज नंबर आप देख लीजिए 116 नंबर पेज है और क्वेश्चन नंबर 60 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक बच्चों, बहुत सी चीज़ें हमेशा क्लेम की जाती है कि देखिए मुंह से कहना और उसको लाइव प्रूफ के साथ उतरने में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अंतर होते हैं। भाई हम ये कह सकते हैं देखो वो उस दिन पढ़ाया था ना, उस दिन देखो जो पढ़ाया था वही आया था। देखिए जब हमारी बुक में है, यही बुक हम फॉलो करते हैं तो पढ़ाते भी तो यही है ना आपको, तो कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं क्लेम कर सकते कि नहीं हमारा पढ़ाया हुआ नहीं आएगा? बिल्कुल हमारा ही पढ़ाया हुआ आएगा। देख लीजिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये बताइए, ये जो मैंने लेने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हूबहू उतरा था कि नहीं उतरा था? ये हमारे बताएं, ये एक्सरसाइज का नहीं, हमारे उदाहरण भी बहुत कारगर है। यही आपसे डी अपेरेंट पूछा हुआ था, यही आपसे डी अपेरेंट क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब आभासीय गहराई पूछा गया यही क्वेश्चन है, ये हमारे उदाहरण में दिया हुआ है। बस हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यू अलग थी, बाकी यही सारा पैटर्न का क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन यही पूछा गया था, यही पैटर्न का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम अगला। अब देखिए क्वेश्चन पेज नंबर 261, ये देखिए हमारे थ्योरी कंटेंट में, हमारे थ्योरी कंटेंट में अगर मैं बात करता हूँ, हमारे थ्योरी कंटेंट में बताइए विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछा था कि नहीं पूछा था? देख लीजिए ये विस्कोसिटी का पूरा बिल्कुल पूरा का पूरा सारा कंटेंट लिखा हुआ है, ये डायमेंशन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? अब देखिए ध्यान से आगे पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर 261 नंबर पेज पे है। ठीक आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 84 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। ठीक ये क्वेश्चन नंबर 84 है, पढ़ लीजिए ध्यान से, आप बता दीजिए हीट दिया था? हाँ दिया है सर। वर्क दिया था? हाँ दिया है सर। आंतरिक ऊर्जा पूछा था कि नहीं पूछा था? और एक चीज बताऊं, ये आपके उसमें एग्जाम में 300 दिया था, बस हमारे में 500 लिखा है, बस इतना सा अंतर, क्वेश्चन यही पूरा दिया हुआ था। देखा कि नहीं देखा? क्वेश्चन नंबर 84 है और पेज नंबर हम बात करें तो 326 नंबर पेज पे, कौन से नंबर पेज पे? 326 नंबर पेज पे है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये बच्चों 111 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 27 डिग्री का ताप, ये देख लीजिए 27 डिग्री पे ताप, इसमें थोड़ा सा, हाँ मैं ये नहीं कह सकते कि ये 100% है, मगर सारे क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न था वो यही था, दो ताप आपको, ताप तो बिल्कुल सेम ही दिया, जो ताप यहाँ पे लिखा है ताप तो बिल्कुल सेम ही, यही ऊर्जा थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, बाकी पूरा का पूरा यही क्वेश्चन उतरा था। ठीक नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बताइए आप खुद पेपर दियो, ये वाला तो बिल्कुल एग्जैक्ट उतारा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए पढ़ लीजिए, यही क्वेश्चन उतारा गया क्वेश्चन है बिल्कुल, ये एयरफोर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक में निम्न कथन कौन सा सत्य है? ठीक है सारे कुछ लिखे हुए देख लीजिए, यही सारा, ये तो हूबहू क्वेश्चन उतारा गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, 228 नंबर पेज पे है, आप जब पेपर दियो तो आपको खुद पता होगा हाँ सर ये तो सच में हमारे में ही पूछा गया था और ये मेजर कलसी के बुक में दिख भी रहा है। आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं, अगला नेक्स्ट आते हैं। अब ये बताइए वर्क का क्वेश्चन आया था, 90 डिग्री का क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? हाँ बिल्कुल आया था सर 90 डिग्री का, ये देख लीजिए 90 डिग्री का केस लिखा हुआ है 426 नंबर पेज पर, ये हमारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु का है और ये वर्क का फॉर्मूला है जिससे आपको आंसर निकालना था, देख लीजिए है कि नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब ये बताइए बच्चों ऐसे ही कुछ सर्किट दिया हुआ था, ऐसे ही कुछ सर्किट दिया हुआ था, तीन रेजिस्टेंस की सर्किट थी, ये 4.8 वोल्ट दिया है आपके, उसमें 4 वोल्ट दिया था, बस इतना था, करंट पूछा था ना क्वेश्चन में, क्या लिखा है धारा का मान, यही तीन रेजिस्टेंस दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था? देख लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल वही सेम पैटर्न ही है, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाए, भाई 2 की जगह 4 रख दो आंसर बदल जाएगा और तो कुछ नहीं होना ना, लगाने का तरीका तो वही रहेगा ना, पैटर्न तो वही है ना पूरा। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये बताइए अभी सुबह मुझको मिला एक बच्चा मिला, कहाँ से रिजल्टेंट का एक क्वेश्चन आया था और देख लीजिए ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये तीन न्यूटन 4 न्यूटन है, आपके एग्जाम में 3 न्यूटन और 5 न्यूटन दिया हुआ था, बस 4 की जगह इन्होंने 5 किया था और 90 डिग्री पूछा था, ये देख लीजिए उदाहरण का क्वेश्चन है पेज नंबर 60 पे है, उदाहरण का क्वेश्चन है पेज नंबर 7 पे है। आगे चलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये प्रत्यास्थता की एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यही सेम क्वेश्चन इसमें, तो मतलब ये कह सकते हैं प्योर यही क्वेश्चन सारा रबर स्टील के इलास्टिसिटी का क्वेश्चन था कि नहीं था? देख लीजिए पहला ही क्वेश्चन है ये, देख लीजिए कौन ज्यादा इलास्टिक, यही पूछा गया था ना, तो स्टील ज्यादा इलास्टिक है ना, बी आंसर क्या है सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट,
आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 था ये, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आ जाइए, 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वर्क दिया था ना 15 जूल, वर्क दिया था ना, चार्ज की वैल्यू दी थी, बोलिए हाँ सर गिफ्ट वर्क और चार्ज का सब कुछ दिया हुआ था। हाँ, विभवांतर पूछा था कि नहीं पूछा था, देख लीजिए क्वेश्चन लिखा है कि नहीं, वर्क दिया है, चार्ज दिया, विभवांतर पूछा, यही क्वेश्चन है ना, देख लो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे अब देखिए, बोला था ना कि वॉल्यूम को दुगना कर दें, टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन था, देख लीजिए पढ़ लीजिए क्या लिखा है। जब स्थिर दाब हो ऐसा ठीक, 327 डिग्री का ताप हो, हाइड्रोजन गैस का किसी ताप को ठंडा किया जाता है, उसके अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग पहले से आधा हो जाता है, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, वैल्यू थोड़ा अलग थी, ये जो टेम्परेचर था ये डिफरेंट दिया था, हमारे में कुछ डिफरेंट दिया है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मतलब इस बार जब पेपर हुआ था ना, मैं पूरा मूड बनाया था कि पूरा लाइव प्रूफ के साथ उतरूंगा, बिल्कुल ऑथेंटिक बिल्कुल उतरूंगा, बिल्कुल कुछ भी ऐसे नहीं, हवाबाजी कुछ भी नहीं, जो बच्चों को इतना भ्रमित किया जाता है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 488 नंबर पेज पे 41 नंबर क्वेश्चन, बोलिए एनर्जी का फॉर्मूला आया था कि नहीं आया, हाफ सी बी स्क्वायर का क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, देख लीजिए लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, आगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक आवेश का कण है समांतर किंतु समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विरामावस्था में छोड़ा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि नहीं आया हुआ था, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, और कैसा पाथ बनाएगा, वृत्ताकार पाथ बनाएगा, 25 का भी 525 नंबर क्वेश्चन पे है। लॉरेंज फोर्स का एक क्वेश्चन आया था, आप ही कहते लॉरेंज फोर्स का क्वेश्चन आया था, सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में था, चार्ज रेस पे था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम देख लीजिए। ऊष्मा गतिकी का तो पूछिए मत, कौन सा ऐसा शिफ्ट नहीं था जिसमें ऊष्मा गतिकी का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और ये देख लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इस बार प्रत्यावर्ती धारा को भी टच किया है, और देख लीजिए यही बस हाँ, हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल सच्चाई जो है वो सच्चाई है, यहाँ पे बस देख लीजिए इक्वेजन का फर्क था, आप में कॉस के इक्वेजन दी थी, यहाँ पे साइन कॉस दोनों दी थी, इसमें कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, साइन 2 थीटा कर देंगे तो साइन का बन जाएगा, आप में कॉस का दिया हुआ था, बाकी यही 100 पाई ही दिया हुआ था, जिससे आप ओमेगा कंपेयर करके 100 पाई कर दिए थे, और 2πf कर देंगे ये 100 पाई हो जाता है, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन था कि नहीं था, देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन है, और पेज नंबर जो हमारा है, और ये सबसे बड़ी बात, आपसे वोल्ट ये फ्रिक्वेंसी पूछा था, ये भी पूछा था, दोनों चीज दिया हुआ है, देख लो। आ जाते हैं 581 नंबर पेज पे है ये, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बताइए, ये लेंस का एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए, क्या है, कोई पदार्थ वायु में उत्तल लेंस जैसा बिहेव कर रहा है, पानी में अवतल जैसा बिहेव कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं था, देख लीजिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आया था लिख लीजिए, लिख क्या लीजिए, देख लीजिए है कि नहीं, बाकी लिखना तो दिखना, अभी हम लोग फिर से शुरू करेंगे, फिर से पढ़ाएंगे तो फिर चीज़ें होंगी अच्छी। अब आगे चलते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या लिखा है, यदि किसी वृत्तीय कुंडली में प्रवाहित धारा को दुगना कर दें, उसके घेरों की संख्या को आधा कर दें, तो चुंबकीय क्षेत्र, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, हाँ सर ये वाला बहुत आसानी से आया था, पेज नंबर कितना, 523 क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों हम लोग पहले से बच्चों को वैसी मटेरियल वैसी तैयारी कराते हैं, और ये क्लेम दावा करते हैं, देख लो जो पढ़ाया वही आया, और विथ प्रूफ आते हैं, चाहे एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे जो भी एग्जाम डिफेंस का हो, सब में हम विथ प्रूफ आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहिए, पहले 20 मई के सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, आइंस्टीन के इक्वेजन पे क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, कुछ नहीं करना, वैल्यू सबकी दी हुई है, 6 में 4 घटा देना, 2 आंसर था, देख लीजिए ये पहले शिफ्ट पहले या दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज, पहले दूसरे मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल था कि नहीं था आइंस्टीन के इक्वेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देख लीजिए एक दो क्वेश्चन नहीं है, पूरा पुथन्ना लेके आया हूं मैं। आगे चलते हैं, अब ये बताइए, अभी पर कल की बात कर रहा हूं, कल की बात है, बताइए ये 50 नंबर क्वेश्चन हूबहू उतारा गया है कि नहीं उतारा गया, अभी कल वाले पेपर में ये 50 नंबर क्वेश्चन उतारा गया जिसका टंगस्टन आंसर है, देख लो 470 नंबर पेज पे क्वेश्चन नंबर 50 है। ठीक,
आगे चलते हैं। अब बताइए, कल ही वाले पेपर में, कल वाले ही पेपर में, कल आने का मतलब है 22 तारीख के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला नहीं था गतिज ऊर्जा सेम है, मास है और मोमेंटम का रेशियो पूछा था, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि नहीं। ये कल वाले 22 तारीख के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा थियोरेटिकल कंटेंट है। डायलेक्ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जिसमें डायलेक्ट्रिक की वैल्यू दो दी हुई है। डायलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी दी? दो दी है। और सी नॉट की वैल्यू क्या? एप्साइलन नॉट ए बाई डी। बताइए यही विकल्प था कि नहीं था? यही विकल्प था कि नहीं था? देख लीजिए, यही विकल्प था। थियोरेटिकल कंटेंट का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बताइए ये क्वेश्चन कहाँ गया? ये, अब बताइए ग्रेविटी का एक फॉर्मूला, ये आपके विकल्प में नहीं था? पाई जी भी था, सॉरी जी आर डी, बोलिए ये विकल्प था हमारे क्वेश्चन में? बस इतना है कि जी प्रोपोर्शनल आर डी दिया हुआ है, तो जी वन और जी टू का रेशियो की बात करें तो आर वन डी वन इज टू आर टू डी टू, देख लीजिए वही चीज है कि नहीं? सी आंसर है, नहीं सी नहीं, कौन सा आंसर है? डी आंसर, देख लीजिए यही 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 विकल्प था आर डी का, देख लीजिए आर डी का क्वेश्चन है कि नहीं, 44 नंबर पेज पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कल ही वाले पेपर में ऊर्जा घनत्व पूछा था, ऊर्जा घनत्व पूछा था, कहाँ गया ऊर्जा घनत्व? ये देख लीजिए, ये ऊर्जा घनत्व, सेम यही फॉर्मूला लिखा हुआ था, देख लीजिए 70 नंबर, सेम यही फॉर्मूला लिखा था कुछ 26 नंबर पेज पे, देख लीजिए 70 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए बस, ठीक। जब बच्चों ऑथेंटिसिटी की बात होती है ना, तब आगे बिल्कुल बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। कहाँ गया? आयताकार कुंडली का क्वेश्चन है, देख लीजिए ये कल के क्वेश्चन, ये कल के पेपर में आया गया क्वेश्चन। आयताकार कुंडली पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाने, बल आघूर्ण अधिक हो जाता है, फेरोक संख्या बढ़ाने पर, करंट बढ़ाने पर, ये क्वेश्चन था कि नहीं? कल का पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप भी कहोगे सर इतना ढेर सारा? हाँ बच्चों ढेर सारा, देख लो ये क्वेश्चन है, यहाँ चार बराबर भागों में पूछा गया, हमने पूछा है, आपके क्वेश्चन में 20 बराबर भागों में पूछा गया, देख लीजिए यही रेजिस्टेंस का क्वेश्चन था जिसको काटा गया है 20 बराबर भागों में, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे आगे। अब बताइए ये बच्चों 81 नंबर क्वेश्चन, देखिए 81 नंबर क्वेश्चन में यहाँ 4 मीटर है, आपके क्वेश्चन में 100 मीटर दिया था, ये 20% पूछा गया था, देख लीजिए क्वेश्चन पूरा वही है, बस न्यूमेरिक वैल्यू अब अलग है। 81 नंबर क्वेश्चन है, विद प्रूफ हम बच्चों आपके सामने आए, देख लीजिए इतना ढेर सारा क्वेश्चन हमने आपको दिखा दिया कि हमारी बुक से पूछा गया है। ये एमकेसी पब्लिकेशन की बुक है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पाई जाती है, मिलती है, और मैं सतप्रस्त कह सकता हूँ कि अगर इस बुक को कोई मंगा के ख़त्म कर सकता है, पढ़ सकता है अच्छे तरीके से, तो अपने सपने को भी सुनिश्चित कर सकता है। तो हमसे जुड़ना मत भूलिए, जब भी हम पढ़ाएं तो बखूबी पढ़िए, बखूबी एक्सरसाइज हमारे साथ लगाइए और लोगों को शेयर करिए, दावे के साथ बताइए कि देख लो लाइव प्रूफ के साथ बिल्कुल उतरे हुए हैं, बता रहे हैं विद पेज नंबर, विद क्वेश्चन नंबर है किसी में? सब लोग कह सकते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ है, मेरा पढ़ाया हुआ, हम लाइव प्रूफ के साथ आते हैं। बच्चों यही वैल्यू है, ये है, ये कैसा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आया कि नहीं देखने को मिला। तो बच्चों अभी और भी पेपर बाकी है, अभी हम फिर आपके सामने आएंगे, इसी लाइव प्रूफ के साथ आएंगे, है कि नहीं? तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।